बैक टू आवर वीडियो। तो यार हुआ ये कि मुझे पता चल गया योगी ने किया मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड। क्या था वो कि उसने ना यार मुझे तो छोटी सी चैन गिफ्ट कर दी और जो श्रुति है ना उसको बड़ा नेकलेस गिफ्ट कर रहा है और ये बात भी मुझे श्रुति से ही पता चली, उसने मुझे बताई तक नहीं। तो ये अपने मन में ज्यादा समझदार बन रहा है, आज मैं उसकी समझदारी उतारने के लिए उसे यहाँ पे बुला रही हूँ और देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो बेबी। क्या हेलो बेबी, क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया, तुम तो मतलब ज्यादा शाने हो गए आजकल है। बताया भी नहीं मुझे। क्या नहीं बताया? अब अभी बता दो, टाइम है, मैं पहले बोल रही हूँ। क्यों गुस्सा होते रहते हो? चुप रहो। क्या हो गया? श्रुति से लास्ट बात क्या हुई थी तुम्हारी, जरा बताना मुझे। तुम्हें अपनी लाइफ ढंग से जीने की नहीं है, तुम्हें उसकी लाइफ में घुसने की ज्यादा पड़ी रहती है। मुझे खुद बताया, मुझे तो तुमने इतनी छोटी सी चैन गिफ्ट कर दी और उसे तुम इतना बड़ा नेकलेस दोगे। यार एक बात बताओ, तुम दोनों की दोनों एक दूसरे की चुगली करने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? उसने क्या बताया मेरे बारे में, बताना जरा। यार उसने तो ये बोला था कि यार आज ना दीदी आई थी मेरे पास और कह रही थी कि यार उसने ना मेरे को गोल्ड की चेन गिफ्ट करी है और आगे मेरे को बहुत सारे सरप्राइजेस करने वाली है, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत थोड़ी ना कहा था। तो उसने कौन सा गलत कह दिया? क्या उसने क्या गलत करा? तुम उसे क्यों दे रहे हो मुझे ये बताओ। क्या ज्यादा तेज नहीं हो? क्या दे रहा हूँ मैं? नेकलेस दे रहे हो तुम उसे? झूठ मत बोलना योगी, यही गिरा दूंगी तुम्हें मैं। यार वो भी मैं तुम्हें देने के लिए लेके आया था, लेकिन तुम अगर ऐसे करोगी ना तो अब मैं वो उसको ही दे दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? इसको दे के दिखा दो, समझ के दिलवा दूंगी एक बार में। अरे क्या कर रही हो तुम, पागल वागल हो गई हो क्या? और एक बात बताओ, पागल तो तुम्हें लगती हूँ मैं जो छुपा रहे हो ऐसी ऐसी बातें, मुझे नहीं पता, दिखाओ क्या लेके आये हो। यार ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, पता है? चुप रहो, सच बता रहा हूँ। हाथ हटाओ, ये देखो, ये तो मुझे इतना बड़ा नेकलेस गिफ्ट करोगे, कोई मजाक वाली बात है ये? यार एक बात बताओ क्या हो गया है, तो तुम्हारी सिस्टर ना रहेगा तो तुम्हारे घर में ही यार, कभी तुम पहन लिया करना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? कभी तुम पहन लिया करना। यार मेरी कमिटमेंट भी पूरी हो जाएगी, मैं उसको बोल रखा है कि हाँ मैं नेकलेस दे दूंगा उसे। तुम मुझे क्यों नेकलेस दोगे, तुम क्या लगते हो उसके? यार तुम्हारी सिस्टर है तो मेरा, मैं भी तो कुछ ना कुछ लगता हूँ, अब तुम समझ जाओ मैं क्या लगता हूँ। तुम ज्यादा मत बोलो। और तुम क्या, और तुम मुझे बॉयफ्रेंड मानती हो या नहीं मानती है? मानती हूँ, पर उसके पास तुम नहीं जाओगे ना तुम्हारी उससे कोई बातें होगी। और ये जो गिफ्ट है ना इसको फेंक दो। तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? यार तुमने गोल्ड का नेकलेस फेंक दिया। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? मुझे फर्क पड़ता है तो तुम किसी और से बात ना करो, और तुमने मेरी बहन से ही बातें करने की कोशिश कर दी। कुछ बोलोगे या तुम्हें भी गिरा दूं? इतनी ना बकवास मुझे पसंद नहीं है, समझा समझा के थक गई पहले दिन से, समझ में नहीं आता एक बार में। यार तुमने गोल्ड का नेकलेस फेंक दिया। मैं तुम्हें भी फेंक सकती हूँ अगर ये हरकतें और हुई तो, समझ गए? बहन में मत रहना किसी। यार अब पता है तुम्हारा ना ज्यादा होता जा रहा है। क्या ज्यादा होता जा रहा है? ज्यादा ना तुम्हारा हो रहा है, समझ गए? तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं तुम्हें गिफ्ट उसे? मैं मर गई क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो यार, और ऐसे वर्ड मत बोला करो। नहीं फिर क्या बात है, पता है ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। क्या बात है, उसको ही गिफ्ट करना है क्या सब कुछ? मैं चली जाऊँ तुम्हारी लाइफ से, ये कहना चाहते हो? कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर क्यों झगड़ा कर रही हो? ये तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। मैंने ऐसा कुछ बोला है क्या? क्यों उसे गिफ्ट कर रहे थे और फिर तुमने बात मुझसे छुपाई भी, वो उसने ही बताई मुझे वो वाली बात। यार मैंने छुपाई तो इसलिए थी कि मैं बोलूंगा ना तो वैसे तुमको एकदम से किलस मचने लग जाएगी। तो अब तो तुम्हें छुपा के बहुत अच्छा काम कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड, तुझे नहीं समझ में आता ना, मैं तुझे समझा समझा के परेशान होगी। नहीं रहना मेरे साथ, नहीं रहना ना, यही बात है। यार रहना है यार, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रह सकती मैं, और ना तू रह पाएगा सही से। यार देख मैं तो सही हूँ, तुझे क्यों हर बार किसी तीसरे को लाना होता है बीच में? यार थोड़ा चेंज होना यार, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए हो जा, क्या दिक्कत है? तो स्टार्टिंग में मुझे पता होता है ना, ऐसा मैं कभी नहीं बकवास करती। मतलब चेंज हो जा, मतलब तू ये कह रहा है? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरे में कमियां है, मैं ठीक नहीं हूँ? अगर तुम मुझे प्यार करते ना तो ऐसे नहीं कहता। यार ऐसे मत बोला कर, मैं तो प्यार करता हूँ और ऊपर से बोल के प्यार नहीं करता। बता दिया यार, ठीक है। यार देख दीजिए ऐसे मत कर। नहीं यार, यार मेरे को अच्छा नहीं लगता। यार देख समझ आ गया मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या थैंक यू? अरे इधर क्या घुस रही है अब, प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। तो यार सब तेरे को मैं कितनी बार समझा दी तब तेरे को नहीं समझ में आता? मेरे को हर बार मैं समझाऊँ हर बार, तेरे में खुद में अकल नहीं है। अरे ठीक है, मैं किसी को गिफ्ट करूंगी, किसी और को लाके तुझे कैसा लगेगा? यार किसी और कैसा लगेगा? किसी और को नहीं कर रहा ना, वो अभी तुम्हारे लिए किसी और ही होनी चाहिए। यार तुमने ना तो बस बात पकड़ लिया और कुछ नहीं है। और एक बात बताऊ ना, हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा चेंज हो जाओ बस, सिर्फ मेरे लिए।
और वैसे मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे कि ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं ऐसे करूँगी, समझ गए? अभी ये बोलना आसान होता है, जब बर्दाश्त करने पे आती है ना तब समझ में आता है। यार प्यार झगड़ा ज्यादा होता है हमारे बीच में, जब देखो तब झगड़ा ऐसी है, मैं क्या करूँ? यार मेरी अकेली हरकत नहीं है, हरकत है ना तुम्हारी भी है। मेरी क्या हरकत है? यार कभी तो सोचा करो कि बंदा तुम्हारा सही है। तुम सही हो ही नहीं, तुम हमेशा गलती। नहीं होना सही, नहीं होना सही, एक बार और बोल दे नहीं हूँ सही, बोल यार। तुम बस अब रोने लग जाएगी यार, तेरे को पता है कि मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तो यार तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? चुप हो जा यार, मेरे को ना ऐसे रोते हुए नहीं देखा जाता तेरे को, चाहे भले ही दो मुक्के मार लिया कर, बट रोया मत कर, पिटना पसंद है और ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता ना यार। आई लव यू, तू कौन बोलेगा? प्यार नहीं करता यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ यार, मैं भी करता हूँ यार, इसीलिए रोते हुए नहीं देख सकते। चल फटाफट अगली बार यार देख ले कि यार तेरी सिस्टर है तो क्यूट।